एंड अनसेचुरेटेड सॉल्यूशंस। अब देखिए, अब हम लोग देखने जा रहे हैं सॉल्यूशंस सैचुरेटेड और अनसेचुरेटेड सॉल्यूशंस डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट। कितना सॉल्यूट सॉल्यूशंस में प्रेजेंट है उसके आधार पर सॉल्यूशंस को डिवाइड किया गया है टू ग्रुप्स में, एक अनसेचुरेटेड सॉल्यूशंस और दूसरा सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। अनसेचुरेटेड और सैचुरेटेड क्या होता है अब वो देखते हैं। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशंस, ए सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड विदाउट राइजिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड एन अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। वह सॉल्यूशन जिसको कि बिना टेम्परेचर बढ़ाए हुए यदि उसमें और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डाला जा सके तो वैसे सॉल्यूशन को कहते हैं अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट more of salt can be dissolved without rising its temperature, then this salt solution will be unsaturated solution. कोई भी aqueous solution है salt का, यदि उसमें और नमक डालते हैं और वह dissolve हो जाता है बिना temperature को rise किए हुए ही, temperature constant रहेगा तब, तो हम कहते हैं कि उस temperature पर वह जो solution है वह unsaturated है। और अनसेचुरेटेड का उल्टा होता है सेचुरेटेड, अपोजिट होता है सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड एट दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड अ सेचुरेटेड सॉल्यूशन। एक दिए गए टेम्परेचर पर यदि और कोई भी सॉल्यूट ऐड नहीं हो सके, डिजॉल्व नहीं हो, तो वैसे सॉल्यूशन को कहते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एक्वस साल्ट सॉल्यूशन नो मोर साल्ट can be dissolved at that temperature, then that solution will be a saturated solution. आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, एक गिलास पानी लिए और इस एक गिलास पानी में हम रूम टेम्परेचर पर इसमें दो चम्मच नमक डालें, टू स्पून सॉल्ट डालें और इसे मिक्स किए तो घुल गया, डिजॉल्व हो गया। अभी इसमें हम एक चम्मच और डालेंगे तो डलाएगा, यानी कि ये अभी अनसेचुरेटेड है। अनसेचुरेटेड कहने का अर्थ हुआ कि अभी इसमें सॉल्ट और डिजॉल्व होगा। तो एक चम्मच डाले डिजॉल्व हुआ, दो चम्मच डाले डिजॉल्व हुआ, चार चम्मच और डाले डिजॉल्व हो गया, मैंने 10 चम्मच और डाला, 10 चम्मच और डाला तो ये ऐड हुआ, यानी 12 चम्मच तक ये अनसेचुरेटेड है। अब जब 12 स्पून मैंने जब इसमें सॉल्ट डाल दिया, 12 स्पूनफुल ऑफ सॉल्ट जब मैंने इसमें डाल दिया और इसके बाद मैं जब नमक डालता हूं, फिर मैं इसके बाद फिर एक स्पून सॉल्ट डाला, वही एक सॉल्ट स्पून और सॉल्ट डाला, तो यह सॉल्ट इसमें बैठ जाता है, डिजॉल्व नहीं होता है। कितना भी घुमाऊं, मिक्स कराऊं, तो इस टेम्परेचर पर यह डिजॉल्व नहीं हो रहा है। तो ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि इसका पेट भर गया है, अब यह एक भी रोटी नहीं खाएगा, एक बूंद पानी नहीं पिएगा, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब भूखा, भूखड़, माने अभी और लेगा और लेगा और लेगा। जैसे शरबत मिलता है तो कहते हैं अभी मीठा नहीं है, जरा सा और चीनी डाल दो, और मीठा हो गया, और चीनी डालो, और मीठा हो गया, लेकिन उसका एक लिमिट है, उस लिमिट के बाद उसमें चीनी नहीं डलाएगा, ऐड नहीं होगा, नहीं घुलेगा, तो उस लिमिट पर जाकर के वह सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यदि हम लोग कोई भी सॉल्यूशन जो सैचुरेटेड है और उसमें और अगर शुगर डालना है तो आप उसको क्या करो, हीट दे दो, आग दो, जैसे हम लोग चाशनी बनाते हैं ना, तो थोड़े से अमाउंट ऑफ वाटर में बहुत सारा चीनी मिलाते हैं, कैसे उसको गर्म करते जाते हैं, और जैसे जैसे गर्म करेंगे तो वो उसमें ऐड होते जाता है। यानी जब हम लोग हीटिंग करेंगे तो वो क्या होता है, आपका चाशनी तैयार हो जाता है। हीटिंग करने के बाद स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर में ए लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन यदि हम लोग इसको ठंडा कर दें, यानी फिर हम ये तो हीट कर रहे थे तो डिजॉल्व हो गया, यानी जैसे जैसे हीटिंग करते हैं, हीट राइज करते जाते हैं, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड होता है और उसमें क्या होते हैं, डिजॉल्व होते जाता है। लेकिन जब हम इसको कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, कूलिंग करते हैं, तो देखते हैं क्या कि वो चीनी जो है
जो डिजॉल्व था वो जो कूलिंग करने के बाद वो सब रवा के रूप में जमने लगा, बैठने लगा, रवा के रूप में बैठ गया, यानी कूलिंग करने के बाद उसका सैचुरेटेड जो था वो आपका कूलिंग करने के बाद वो क्या हो गया, वो सब रवा के रूप में बैठने लगा, है ना। तो हीटिंग से क्या होता है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट होने लगता है और उसमें और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होता है। लेकिन कूलिंग से क्या होगा, जो आपका डिजॉल्व किए थे उसका डिजॉल्व करने की कैपेसिटी जो है, एबिलिटी है, वो घटने लगती है और जो उसमें सॉल्यूट था उसको वो बाहर निकालना शुरू करता है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेज ऑन हीटिंग, क्लियर है। ए सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर ओनली, सो इफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर इज हीटेड टू अ हायर टेम्परेचर देन इट बिकम्स अनसैचुरेटेड, जब हीट करेंगे तो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। और द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन डिक्रीजेज ऑन कूलिंग, और जब कूलिंग करेंगे तो किसी भी सॉल्युबिलिटी जो सॉल्यूट का है वो डिक्रीज करता है सॉल्यूशन में। इफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन अवेलेबल एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कूल्ड टू अ लोअर टेम्परेचर देन सम ऑफ इट्स डिजॉल्व सॉल्यूट विल सेपरेट आउट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स, यानी कूलिंग करने के बाद उसकी सॉल्युबिलिटी इस तरह से घटने लगती है कि उसमें से कुछ तो सॉलिड क्रिस्टल्स बाहर भी निकलने लगते हैं।